हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई विश कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और जैसे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं वहाँ पर दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप लोग अपना खास करके बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जैसे कि आप लोगों को मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा आज खुश हूँ। और मेरी इस खुशी की वजह है आप लोग। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरी दिवाली वाली वीडियो को इतना सारा वाला प्यार दिया और 1K व्यूज़ कम्प्लीट करवा दिए। ये सब सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मेरे को इतना अच्छा अप्रिशिएट करने के लिए आप लोगों का रियली वेरी थैंक यू। जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतनी बार कम है, लेकिन रियली इसी तरह आप लोग आगे भी मेरे को मेरी वीडियोज़ को इसी तरह प्यार देते रहिएगा और इसी तरह अप्रिशिएट कीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं इस तरह से अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू कम्प्लीट कर पाऊँगी, बट ये सब चीज़ें सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाई हैं और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। वन बाय वन कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ, तो सेम उसी तरह मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सदर मार्केट गई थी कुछ शॉपिंग करने, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरी एनिवर्सरी आने वाली है। तो यस गाइस, जैसे मेरी एनिवर्सरी आने वाली है तो ये व्लॉग एनिवर्सरी प्रिपरेशन की ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब भी कोई फंक्शन आ रहा होता है या कुछ भी घर में हम लोगों के छोटी मोटी चीज़ें आ रही होती, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम लोग क्या करें, कैसे मैनेज करेंगे और कैसे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसी तरह मेरे को लगा कि मेरे को एक वीडियो बना लेनी चाहिए जिससे सब लोगों की भी हेल्प हो पाए कि कैसे चीज़ों को मैनेज करें अच्छे से और कैसे ही हम लोग इस सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ठीक है गाइस, कंटिन्यू करते हैं वीडियो। चलिए सबसे पहले बना लेते हैं हम लोग लिस्ट, और लिस्ट बना लेती हूँ मैं सबसे पहले, इनविटेशन लिस्ट बना लेती हूँ एंड अपने सारे कामों की लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे क्या क्या काम कवर अप करने हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इनविटेशन लिस्ट। इसमें मैं सबसे पहले सबका नाम लिख लेती हूँ, जिन जिन लोगों को मैं इन्वाइट करने वाली हूँ। एंड जिन लोगों को मैं नहीं बुला पा रही हूँ उनके लिए कान पकड़ के सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि कोरोना है और कोविड के चक्कर में कोई भी जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इवन जो हमारा क्लब हाउस है वो भी क्लोज है इस टाइम पे, तो मेरे पास स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, घर पर इतने ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं नहीं बुला पा रही हूँ सब लोगों को। और सिर्फ मैंने ये बहुत ही कम लोगों की गैदरिंग रखी है, वो भी घर वालों को कहना है कि कम से कम करना है। तो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, हाथ जोड़ के माफी कर मांग रही हूँ, बुरा मत मानना प्लीज़। नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा फंक्शन होगा मैं उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी और सब लोगों को इन्वाइट करूँगी। इवन मैं खुद सब लोगों को बुलाना चाहती हूँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा मन एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गुजर गुजर हो रहा है कि सब लोगों को बुलाऊं, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रही हूँ इस टाइम पे कि मतलब मैं अपने खास खास लोगों को भी नहीं इन्वाइट कर पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना की वजह से। तो सॉरी कान पकड़ के, और मैं पक्का इस टाइम पर नहीं लेकिन बीच बीच में सबको वन बाय वन बुला बुला के और पार्टी देती रहूँगी। तो ये एनिवर्सरी मेरी बहुत ज़्यादा लंबी वाली चलने वाली है, क्योंकि मैं सब लोगों को वन बाय वन बुलाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम टू टाइम बुलाती रहूँगी, सैटरडे संडे या कभी भी पार्टी रख रख के सबको वन बाय वन इन्वाइट करूँगी। तो मेरी नामों की लिस्ट तो हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट, एंड अब मैं जो करने जा रही हूँ वो है अप्रॉक्स मेरे पता है कितने गेस्ट हो गए, 35 लोग मेरे हो गए, 30 to 35। और मेरा अप्रॉक्सीमेट जो था वो था 20 to 25, बट फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी है मेरी, तो इसलिए हम लोग को कम करते 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 भी 35 से, अब मुझे लगता है 35-40 होने में कोई देर नहीं लगेगी, 40 भी हो ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, मैं कर लेती हूँ उसके बाद सबको सबसे पहले फ़ोन, क्योंकि छूट जाएगा। और जो जो लोग मेरे लिए गिफ्ट लेके आएंगी उन्हें टाइम पे तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर मेरे लिए गिफ्ट भी तो आएगी ढेर सारे। तो जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके आना और खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेके आना, अच्छी अच्छी चीज़ें लाना, जो मैं देखते को वाह ऐसी वाली चीज़ें लाना। ठीक है, थैंक यू मेरे गिफ्ट आने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे लिए क्या क्या आने वाला है। और एनिवर्सरी तो आना है, मेन तो गिफ्ट ही होता है भाई, इसलिए गिफ्ट सब लोग पहले लेकर आ जाना। ये रही मेरी नाम की लिस्ट, ये देखिए ये है मेरी नाम की लिस्ट, और इसमें मैंने लिखा है 30 लोगों का नाम,
जिसमें से मैं एक जने को और भूल गई थी, जिसका नाम भी देती हूँ, और कुछ है हमारे फ्रेंड्स तो उन लोगों को. तो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू. और नेक्स्ट मैं अब करने वाली हूँ अपने कामों की लिस्ट बनाने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या काम करने हैं. तो सबसे पहले तो मुझे अपने घर की डेकोरेशन करनी है और डेकोरेशन का सामान लेना है. तो देखती हूँ मैं क्या क्या सामान लेती हूँ डेकोरेशन का, एंड फिर मैं करूँगी कॉल करनी है मुझे सबसे पहले सारे लोगों को. और उसके बाद मुझे ये करना है, मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, हाँ मुझे करना है कॉल करना है. फाइनली मेरी लिस्ट हो गई है कंप्लीट. तो मैं वन बाय वन इसमें से देख देख कर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ. अगर मैं लिस्ट नहीं बनाती तो मैं फिर आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हूँ, और फिर एट अ टाइम याद आती है ओ शिट ये वाला काम तो करा ही नहीं, फिर पड़ती है रेड और जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और उसके चक्कर में और भी काम छूटते चले जाते हैं. जो भी था कैंसिल. सेकंड मंथ में कॉल करने वाली हूँ, एंड सेकंड मंथ पर मेरा कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा. सेकंड पर्सन को मैंने कॉल लगा लिया है, देखते हैं क्या होता है. इसे बड़ा अच्छा लगा था. क्या हो गया, किसी को पार्टी में नहीं आ रहा क्या, कोई पार्टी में उठाया पैसे लगे. यस शिट, लेकिन कितना लॉस हो रहा है, दोबारा फोन करूँगी. हेलो फोन काट दे, नमस्ते फोन काट दिया, दो तीन बार अच्छा कर दिया. अब अच्छा लगा, अच्छा तुम्हारे को है, अच्छा ठीक ठीक फोन करें. Hey guys, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे ही काम हो चुके हैं कंप्लीट. और मेरे को जाना था मार्केट, तो मैं गई थी मार्केट अपने लिए कुछ शॉपिंग करने, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी. और कल आने वाले हैं ढेर सारे गेस्ट, तो मुझे चाहिए तो बहुत सारे सामान, इसलिए मैं गई थी मार्केट. और मैं वहाँ जाकर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं थी बहुत ही ज़्यादा बाहर जाकर बिजी, तो इसलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी बाहर जाकर. तो मैं घर आकर अब वीडियो बना रही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरे सारी ही चीज़ें डन हो चुकी है. मैंने केक भी ऑर्डर कर लिया है, एंड जो जो चीज़ें थी वो मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट फिनिश अप कर चुकी हूँ. और अब मुझे करना है घर का काम, और घर का काम है बहुत ही ज़्यादा, तो मैं उनको भी फटाफट फिनिश कर लेती हूँ. एंड मुझे करनी है अभी ढेर सारी डेकोरेशन और कुछ घर के छोटे मोटे काम, तो मैं इनको भी फटाफट फिनिश अप करूँगी. एंड उसके बाद मुझे लगवानी है अपने हाथों में मेहंदी, तो मुझे भी मेहंदी भी लगवानी है क्योंकि एनिवर्सरी और मेहंदी तो लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मुझे ये भी लगवाना है. एंड अभी तक मैंने अपने कपड़े डिसाइड नहीं करे कि मुझे कल पहनना क्या है, तो अभी मेरे पास है बहुत सारा काम, घर का भी और अपना भी और अपना फैशन का भी, एंड सारी चीज़ों को करना है मैनेज. तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, और बाकी जो जो चीज़ें मैं नहीं वीडियो में ले पाई उन सब चीज़ों के सॉरी. एंड चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे की और दिखा. हेलो फैमिली को,
ये है मेरा बनी और इसका नाम बोलते हैं मिस्टर बन। ओ मिस्टर बन, क्या कर रहे हो? चपचे पूछो, ठीक हो? हाँ जी। क्या? अच्छा मेरे हाथ पे हाथ रखना है इसके, वो देख रहा है इसी तेवर, ये देखो ये देखो, मैं जहाँ करूँगी वही मेरे ऊपर हाथ रखना है, देखो। नहीं, से हेलो, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।